चिकन महंगा है ना, इसलिए ना चीज़ कम कर दिया। बहुत बुरा था ये, मैं प्याज का टेस्ट आ रहा है बहुत बढ़िया, शायद क्योंकि प्याज है उसमें, हो सकता है उनकी गैस ख़त्म हो गई हो। बहुत बुरा था सिलेंडर महंगा हो गया। उसका रेड वेलवेट पहले कभी खाया है क्या? फंस गया तो मैं खाऊंगा, मैंने कभी नहीं खाया क्योंकि What's up guys, welcome back to another video. So, मेरे लास्ट वीडियो से आपको पता चली क्या होगा कि फाइनली भानु भैया छुट्टी में वापस घर आ चुके हैं, और इस बार भानु भैया 8 महीने शिप में रहने के बाद घर वापस आए, और इन 8 महीने के गैप में बहुत से नए बेहतरीन बेहतरीन आइटम डोमिनोज ने लॉन्च किए हैं, जिनमें से कुछ मैंने ऑलरेडी ट्राई कर रखे हैं और कुछ रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जो मैंने अभी तक खुद भी ट्राई नहीं किए हैं। तो आज की इस वीडियो में डोमिनोज के वो सभी नए आइटम्स मैं ऑर्डर करने वाला हूं, और देखते हैं कि भानु भैया के इनिशियल थॉट्स क्या हैं उन सभी पे। बट जब तक मेरा ऑर्डर आता है तब तक मैं आपको बता देता हूं अपने ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बिनोमो के बारे में, जिसमें ट्रेडिंग करके मैं अपने थोड़े बहुत मकबैंक के एक्सपेंसेस मैनेज कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट में इस टाइम 78,522 रुपीस, और इधर राइट हैंड साइड में सेंटर वाले बटन पे क्लिक करके चार टाइप्स का ऑप्शन आता है, माउंटेन लाइन कैंडल बार, मैं माउंटेन सेलेक्ट करने वाला हूं, और लेफ्ट हैंड साइड पे इधर क्लिक करने से आपको एसेट्स टाइप मिल जाती है, आप किसी भी एसेट में ट्रेड कर सकते हो, मैं क्रिप्टो IDX में ही करने वाला हूं। अब इस मार्केट को एनालाइज करते हुए हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ पॉइंट ऊपर की साइड जाएगा या फिर नीचे की साइड आएगा, और करंट सिचुएशन देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्राफ पॉइंट नीचे की साइड ही जाएगा। तो यहां से अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, वीडियो के लिए मैं 7000 ही रखने वाला हूं, डाउन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे और अब वेट करेंगे इस ट्रेड के कंप्लीट होने का, मतलब जब ये ग्राफ पॉइंट इस रेड लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो आप देख सकते हो इस ट्रेड में मुझे मिल चुके हैं 12,740 रुपीस, और वो अमाउंट डायरेक्टली मेरे रियल अकाउंट में ऐड भी हो चुका है। तो अगर आप भी बिनोमो यूज करके मेरी तरह अर्न करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करने पे आपको मिलेंगे $1,000 अपने डेमो अकाउंट में, जहां से आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना सीख सकते हो बिना किसी रिस्क के, और एक बार आपको ट्रेडिंग करना आ गया उसके बाद आप अपने रियल अकाउंट में फंड डिपॉजिट करके भी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और अभी मेरा ऑर्डर भी आने वाला होगा, तो फटाफट से बुलाते हैं भानु भैया को और करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। Hello and welcome friends, welcome back to another video. तो भाई finally this is it, अभी हमारे सामने रखे हुए हैं डोमिनोज के सारे नए आइटम्स जो लास्ट 8 महीनों में लॉन्च हुए हैं। सबसे पहले मेरे पास मोरक्कन स्पाइस पास्ता पिज्जा वेज रेगुलर चीज बर्स्ट बेस, द 4 चीज पिज्जा मेरा फेवरेट विद एक्स्ट्रा चीज क्योंकि इसमें चीज बर्स्ट बेस का ऑप्शन नहीं आता है, पनीर टिक्का स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, रेगुलर क्रीमी टोमेटो पास्ता पिज्जा वेज चीज बर्स्ट बेस के साथ, एंड द चीज डोमिनेटर पिज्जा एक्स्ट्रा चीज के साथ क्योंकि अगेन इसमें भी चीज बर्स्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। सेंटर में है मेरे पास चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, साथ ही साथ इनका न्यूली लॉन्च्ड पनीर पराठा पिज्जा एंड कॉर्न एंड चीज पराठा पिज्जा, रेड वेलवेट लावा केक जिसके साथ एक हादसा हो चुका है, बाकी हमारे पास है 6 चीजी डिप्स, बाकी 4 हमने यहाँ चीजों को एलिवेट करने के लिए रखे हुए हैं। अब जो कोई भी इन्हें नहीं जानते हैं मेरे बड़े भाई मरीन इंजीनियर है, वीडियो में करेंगे इनके बारे में और बातें और साथ ही साथ इस खाने के बारे में और बातें, फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट क्योंकि भाई खुशबू बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है। आपने इनमें से कुछ भी पहले ट्राई नहीं कर रखा ना? ना भाई, 9 महीने बाद घर आया हूं। सबसे पहले लीस्ट जो एक्सपेक्टेशन वाले पराठे है मेरे को भी चीज एंड कॉर्न पराठा, वही अंदर चीज एंड कॉर्न की फिलिंग कर रखे हैं, लेट्स सी हाउ इट इज, मिस्सी रोटी जैसा फील दे रहा है, अरे तो इतना हार्ड हो रखा है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स, थैंक यू अक्सांशु। ठीक है, मैं बोल रहा था मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मेरे को भी नहीं थी, लेकिन इसका बहुत अलग टेस्ट है भाई, टेस्ट डिफरेंट है। नहीं यार, बेस्ट चीज़ अभी कि डोमिनोज वाला घर तक देके गया, वरना हमको थोड़ा दूर जाने लेना पड़ता है, गर्म है अभी तक। अच्छा है, तो अच्छा हो रहा है, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा। कौन जो अच्छा नहीं लग रहा बल्कि इसमें तो साइड नहीं खाता क्या किनारे का? मैं ये खाता हूँ, मैं सबसे पहले यही खाता हूँ। मैं भी सबसे पहले यही खाता हूँ भाई, फीलिंग काफ़ी अच्छे से करता है, पनीर पराठा पिज्ज़ा
सही है बट ये ज़्यादा बेटर लग रहा था, ये मेन स्ट्रीम टेस्ट दे रहा है, मतलब पनीर का टेस्ट आपको पता ही है तो सिमिलर टेस्ट लग रहा है, बट कॉर्न एंड चीज़ का एकदम डिफरेंट टेस्ट है ये, मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा, इससे अच्छा पनीर निकाल के सब्जी बना के खा ले तो ज़्यादा बेटर है। पनीर पराठे में ना पनीर को ग्रेट करके डालते हैं, इन्होंने इसमें क्या किया पूरे पूरे पनीर के चंक्स डाल दिए, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पराठा नहीं है ना, ये पराठा पिज्ज़ा है, बट इन दोनों में से आई वुड सजेस्ट कि कॉर्न एंड चीज़ के साथ जाना, बहुत अलग टेस्ट है भाई, मज़ा आएगा तुम्हें खाने में। कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पिला तू, अब ये बहुत अजीब सी बात लगी, गला ख़राब है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहा हूँ लेकिन ऐसी चीज़ें खा रहा हूँ। इसके बाद गार्लिक ब्रेड ट्राई करता हूँ, पनीर टिक्का स्टफ्ड, पनीर टिक्का, ओहो भाई इसमें तो चीज़ है लबालब, कैसे दिखाता है ऐसे हो गया होगा, कूल चीज़, आज थर्सडे तो ये नॉनवेज नहीं खा सकते हैं बट मैं खा सकता हूँ, तो मैंने अपने लिए ये चिकन पेपरोनी स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड मंगाई थी, ये भी अच्छा है, चीज़ चीज़ या तो मैं 9 महीने बाद डोमिनोज खा रहा है इसलिए इतना अच्छा लग रहा है, या सच में आज गरम गरम है इसलिए अच्छा लग रहा है, चीज़ भी बहुत है, मस्त है मगर गला ख़राब होने की वजह से मेरा कुछ प्लान नहीं था खाने का, मेरे को लगा था कि इन्हीं को टेस्ट करवाऊंगा, बट डोमिनोज सुबह तक मेरे को भी नहीं पता था, मैं ऑलरेडी पराठे खा चुका हूँ उसके बाद। पिज़्ज़ा में इससे पहले कि ठंडे हो जाए, कौन सा मेरा तो फेवरेट ही है, क्या है ये 4 चीज़ पिज़्ज़ा, 2 में डालना 2 में मत डालना, मेरे को पसंद नहीं है, 3 में डाल के तो खाएगा नहीं ना। तो ये है मरीन इंजीनियर, और लास्ट टाइम इनके शिप पे चढ़ने से पहले काफ़ी लोगों ने इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनको ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम तक ये शिप पे चले गए थे, तो अगर मरीन इंजीनियरिंग या फिर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आने वाले किसी वीडियो में ये मेरे साथ बैठ के रिस्पॉन्ड कर देंगे आप लोगों के क्वेश्चंस। न्यू फेवरेट द 4 चीज़ पिज़्ज़ा, डबल चीज़ मार्गरिटा से ऊपर हो चुका है मेरे लिए, चीज़ लवर्स के लिए अच्छा है, मैं बस चीज़ ही चीज़ है और कुछ नहीं है, चेडर गोश्त पेपर चीज़ मोत्सरेला और एक और तरह का चीज़ है इसमें, 4 तरह की चीज़ होते हैं जो, और इसमें चीज़ बर्स्ट बेस नहीं आता है क्योंकि ऑलरेडी इतना चीज़ होता है उसमें, थैंक गॉड नहीं आता है, हाँ लेकिन अपन ने एक्स्ट्रा चीज़ डलवा रखा, हाँ लेकिन लग नहीं रहा है, बट इसका कोई टेस्ट ही नहीं है बस चीज़, लेकिन इसमें स्पाइसी सा टेंट आता है, क्या है कि ये पिज़्ज़ाज़ बनाए गए थे सिर्फ और सिर्फ लार्ज साइज़ के लिए, लार्ज या फिर मीडियम के लिए, तो अगर हम रेगुलर ऑप्ट करते हैं ना तो उसमें उतना वो टॉपिंग्स उतना वो चीज़ नहीं डाल पाते हैं जितना क्लेम करती है कंपनी। इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप साइट में जाके पढ़ोगे तो जिसमें जैसे इसमें 1/2 किलो चीज़ डलता है इसमें, तो ऑब्वियसली रेगुलर उसमें 1/2 किलो चीज़ वो कैसे फिट कर सकते हैं, तो वो मीडियम या फिर लार्ज के लिए होता है, तो असली टेस्ट उसी में आता है। हाँ ये मोरोक्कन स्पाइस वेज पास्ता पिज़्ज़ा है और शायद से ये टोमेटो पास्ता पिज़्ज़ा, हाँ लेट्स सी हाउ इट इज, खतरनाक इमेज, इसमें जो रेड सॉस है ना इसका ओवरपावर कर रहा है टेस्ट को, टैंगी टेस्ट है, कौन सा सॉस बोलते हो, मारिनारा वो कुछ ऐसा सॉस होता है क्या इसमें, ओके बट घर वालों को ये वाले पिज्ज़ा बहुत पसंद आता है ये, और ये मम्मी डैडी के फेवरेट पिज्ज़ा है दोनों, मोरक्कन वो वाला है शायद से क्योंकि टोमेटो का टेस्ट उसमें आ रहा है, हाँ मोरक्कन स्पाइस वेज पास्ता पिज़्ज़ा और ये है आपका टोमेटो टोमेटो एंड पास्ता पिज़्ज़ा, ऐसे कुछ करिए शक्ल देख लो भाई, यार इसने ना पूरा मूड ख़राब कर दिया।
बहुत ज़्यादा टैंगी हो रहा था। था क्या हो रहा है? पास्ता कच्चा है, कसम खा कर हूँ पास्ता कच्चा है। वो पास्ता पकाना भूल गया है। हाँ, आउटलेट टू आउटलेट डिपेंड करता है जहाँ तक कि मेरा कहना है। ये ऐसा लगता है उन्होंने बॉइल्ड पास्ता सीधा ऊपर डाल दिया, उसके ऊपर थोड़े हरी काली जो भी सब्जियाँ हैं ऑलिव ऑलिव डाल दिया, भेज दिया। बढ़िया हो रहा है। तो क्यों खा रहे हैं तू? नॉनवेज खाना भाई? मैं नॉनवेज नहीं खा सकता। इसमें प्याज का टेस्ट आ रहा है बहुत बढ़िया, शायद क्योंकि प्याज है उसमें। बढ़िया ऑब्वियस नहीं होता है क्योंकि इसमें टमाटर दिख नहीं रहा, मगर टमाटर का बहुत टेस्ट आ रहा है। इसमें तो पास्ता दिख रहा है, पास्ता का कच्चा टेस्ट आ रहा है पूरा पूरा फालतू। अब तक मेरे को सबसे बेस्ट लगा ये स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड, उसके बाद ये दोनों। ये डाल के ना भाई थोड़ा अच्छा हो जाता है टेस्ट इसका। एक मैं वीडियो यहाँ डालूंगा आई बटन पे, तो हम दोनों ने वो लार्ज डबल चीज मार्गरीटा का चैलेंज किया था, तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें पहले मैंने सब कुछ डाल दिया और खाया था, वो मेरे गले में फंस गए थे ये। उस दिन के बाद से मैंने नहीं खाया वो, देख के फिर मैंने नहीं डाला था। हाँ, इतनी खांसी आई थी ना मुझे उस दिन। द चीज डोमिनेटर पिज्जा सामने दिखाओ ना स्क्रीन पे, ये देखिए चीज डोमिनेटर पिज्जा। चलो इसमें आता है मुझे पूरा पूरा चीज का टेस्ट, बस चीज ही है इसमें। ये लगता है मुझे डबल चीज मार्गरिटा का बड़ा भाई। थोड़ा सा और चीज। चीज चीज पे चीज, चीज पे चीज, चीज। क्या चीज़ है। पर्सनली मुझे भी पास्ता पिज्ज़ा वगैरह पसंद नहीं है सच में यार। मेरा पर्सनल फेवरेट हो रखा है द फोर चीज़ पिज्ज़ा, चीज़ डोमिनेटर भी मेरे को मतलब इतना कुछ खास लगता नहीं। अभी अक्षांशु को भी ज़रूरत पड़ चुकी है कॉन्डिमेंट्स की, देखते हैं कैसा हो रहा है इसके साथ। इसी के साथ मज़ा आता है भाई, मैंने सोचा था हैवी हो जाएगा मगर अभी तो हिला ही नहीं है कुछ, है ना। मुझे भी लग रहा था बहुत हैवी हो जाएगा, लाइट है पिज़्ज़ा यार। मज़ा नहीं आया उसके बिना ही। अच्छा यार भाई पेपी पनीर मंगाना चाहिए था। पेपी पनीर, पनीर मखानी, मखनी फिर लीस्ट मेरे को लगता है। तू बोल रहा था मार्गरेटा पिज्जा मंगा के उस पर अल्फ्रेडो पास्ता डालेगा। मनाली में क्या था ना, मैं ऐसे तो नहीं लगता हूँ। नहीं, जिस किसी ने मेरा मनाली वाला व्लॉग देखा है आई बटन पे डाल दूंगा। मैंने उसमें ना वहाँ के एक कैफे में मैंने मार्गरेटा पिज्ज़ा मंगाया था एंड अल्फ्रेडो व्हाइट सॉस पास्ता मंगाया था। दोनों का इंडिविजुअल टेस्ट ओके ओके था, तो फिर मैंने सोचा कि दोनों को मिक्स करके देखा जाए। तो मार्गरेटा पिज्ज़ा के ऊपर मैंने अल्फ्रेडो व्हाइट सॉस पास्ता डाला पनीर, उसके बाद जो टेस्ट आया उसका तो वो ट्राई करूंगा मैं अपने आने वाली किसी वीडियो में, बट ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। आज मैंने चीज़ कम डाला है इसमें, चीज़ भर के डाला है। अब चिकन महंगा है ना इसलिए चीज़ कम कर दिया, बहुत बुरा था ये। पनीर भी महंगा है वैसे बात करते हैं। इसमें जो प्याज का टेस्ट है ना, पता है कैसा है? अपने पनीर प्याज के पराठे में जो प्याज का टेस्ट आता है ना, सेम वैसा। भाई मैं ओवर खा चुका हूँ अपनी तबीयत के हिसाब से, मेरे गले में खराश हो रही है बहुत। खाना नहीं चाहिए था बट खा रहा हूँ। जब सामने इतना सब कुछ रखा हो ना तो पिघल जाता है इंसान। मुझे लीस्ट एक्सपेक्टेशन जिससे थी ये था कॉर्न एंड चीज़ पराठा, स्टैंड आउट परफॉर्म कर रहा है ये बंदा, सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगा। अच्छी बात है। और फोर चीज़ पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है ही, बाकी आज मेरे को पनीर स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड भी अच्छा लगा, तो खा लेते हैं। पहलो हाँ, तो तू ये सब फिनिश करना आ गया क्या? आप खाओ कुछ तो खाओ। ओके okay.
क्या करने भाई, सीधा कर दे यार। अभी थोड़ा ठंडा हो गया तो और बेकार लग रहा है। बना लो, गड़बड़ हुई है। तो अंग्रेजों को भी पसंद नहीं आएगा जो बॉइल्ड खाना खाते हैं। अदरवाइज मैंने पहले खा रखा है, टेस्टी होता है वैसे। बट आज पास्ता उन्होंने वैसे डाल दिया। हो सकता है उनकी गैस खत्म हो गई हो। बहुत बुरा था। सिलेंडर महंगा हो गया, आज से ज़्यादा बुरा था। अभी नहीं खा रहे चीज़ हो गया। तो नॉर्मली जब मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ ना, मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, क्रस्ट से। मैं भी। और जो सेंटर का मेन बाइट होता है ना, जो सबसे ज़्यादा चीज़ होता है, वो एंड में खाता हूँ। आइसक्रीम, लेमन जूस भाई, आई एम डन। मेरा भी लास्ट बाइट है। तूने उसका रेड वेलवेट पहले कभी खाया है क्या? फंस गया। तो मैं खाऊंगा, मैंने कभी नहीं खाया कभी। खा लो। पेट मतलब ठीक ठाक भर चुका है, ऐसा ओवर भी नहीं हुआ ना। ये मेरे को गर्म होकर अच्छा लगता होगा ना, ढका रहता है और मॉल्टन रहता है अंदर। तो जब आप उसको यू में पिंच करो ना, ऐसा गर्मा गर्म बाहर निकलता है, तभी इसको लावालिशियस केक बोलते हैं। मगर पिज्ज़ा से बेटर है तो मैं खाऊंगा। पास्ता पिज्जा डिसअपॉइंटिंग थे थोड़े। हाँ यार सीरियसली, बाकी तो ना तो अच्छा लग रहा था। I'm sorry. यार एक बात बता, पराठे के चार स्लाइस थे, मैंने एक ही खाया। आपने कॉर्न का दो खाए थे? मैंने कॉर्न का एक ही खाया। मैंने वीडियो देख लेंगे इसका। मैंने भी एक ही खाया। मैंने भी एक ही खाया भाई। कौन ले गया, भूत ले गया? ना भाई, इसके आपने दो खाए। कौन कौन समझ के आपने ये खा लिया? कौन के आपने दो खाए? मतलब मैं चार खा गया। अरे नहीं खाए भाई, ये तेरी तबीयत इतनी खराब है, तेरे को याद भी नहीं रह रहा है। कंपनी से कॉल आ गया। गुड आफ्टरनून सर। भानु भाई का कॉल आ चुका है कंपनी से। भली बात, परंपरा के बिना थोड़ा मजा सा नहीं आता है मेरे को वीडियोस में, खासकर पिज्जा के वीडियोस में तो कोक चाहिए ही चाहिए होती है। अगर आप लोगों को भी चीज़ पसंद है तो फिर डेफिनेटली फोर चीज़ पिज्ज़ा मीडियम ज़रूर खा के देखना। रेगुलर में इतना टेस्ट नहीं आ पाता है। सेम गोज विथ चीज़ डोमिनेटो, बट चीज़ डोमिनेटो ब्लैंड लगता है मेरे को, उसमें सिर्फ एक ही तरह के चीज़ का टेस्ट आता है। ऑन दी अदर हैंड, फोर चीज़ पिज़्ज़ा में आपको अलग अलग चीज़ का एक ब्यूटीफुल अमैलगमेशन टेस्ट करने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। बाकी रही बात पराठों की जो न्यूली लॉन्च्ड है भाई, चीज़ एंड कॉर्न पराठा, मज़ा आ गया। बाकी एक चिकन कीमा पराठा पिज्ज़ा भी था जो कि देहरादून में अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं ऑर्डर नहीं कर पाया। घर वालों के लिए बच चुका है काफ़ी सारा सामान, गिरना मत बस। पर देखो, होपफुली भानु भाई के साथ मेरे आगे भी और वीडियोज़ आते रहेंगे इस एक दो महीने के ड्यूरेशन में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाकी दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड आई कैच यू गाइज ऑन द नेक्स्ट वन। पीस। खाने का मन कर रहा है लेकिन। अब तू सुहा दोनों जुड़ के जुदा माधनो माशुका।